अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास कंसेप्ट है जहां वो लोग ऑनलाइन MBA करा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी ऑनलाइन MBA करवा रही है। डिस्टेंस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो MBA के एडमिशंस लेते हैं। बहुत ही कम फीस है, इतने ज्यादा फीस भी नहीं, और आप कहीं पर भी रहते हैं या फिर मतलब मान लीजिए आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, आप दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन MBA का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों डिस्टेंस MBA एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से ही पॉपुलर रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि MBA करने के लिए हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर यूनिवर्सिटीज का भी रुख करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डिस्टेंस से ही चाहते हैं MBA करना या कोई दूसरे कोर्स को करना। MBA के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस में कराए जाते हैं, और उसके ऊपर से और अच्छी चीज तब हो जाती है जब यही एजुकेशन ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि अपने देश में मतलब हिंदुस्तान में अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास कंसेप्ट है जहां वो लोग ऑनलाइन MBA करा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी ऑनलाइन MBA करवा रही है। डिस्टेंस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो MBA के एडमिशंस लेते हैं। बहुत ही कम फीस है, इतने ज्यादा फीस भी नहीं, और आप कहीं पर भी रहते हैं या फिर मतलब मान लीजिए आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, आप दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन MBA का सहारा ले सकते हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप डिस्टेंस में MBA करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से MBA कर सकते हैं। जो पहले एक बैरिगेटर सामने आया करता था सभी उन स्टूडेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस से करना चाहते हैं MBA पर वो दूसरे स्टेट में रहते हैं। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी UP में स्थित है, आप उड़ीसा में रहते हैं, डिस्टेंस से करोगे तो एग्जाम्स देने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको आना होगा। ये नियम है, ये कानून है, जजमेंट आया था 2005 में प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, उसमें बड़ी क्लियर ये चीजें थी। बट ऑनलाइन एजुकेशन के आते ही, ऑनलाइन MBA के आते ही ये बहुत बड़ा जो बैरिगेटर था ये भी हट गया। तो आज मैं काफी कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ आपको डिस्टेंस MBA के बारे में, साथ ही ऑनलाइन MBA के बारे में भी। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों डिस्टेंस से आप करें MBA या फिर आप MBA करें ऑनलाइन, दोनों के ही अपने अपने अलग अलग फायदे हैं और साथ में ही दोनों के ही अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना चाहते हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम आपको और भी यूनिवर्सिटीज के सजेशंस दे देंगे और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता देंगे, और साथ में आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर देंगे जिन भी डाउट्स को लेकर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 400 से भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें हम आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप डिस्टेंस से MBA करना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए फीस को। फीस की हम बात करें डिस्टेंस MBA में तो 10,000 पर सेमेस्टर से लेकर ये 25,000 पर सेमेस्टर तक हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हम ऑनलाइन MBA की बात करें तो ये 10,000 से शुरू होती है, पर मैं आपको बता दूं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने फीस थोड़ी सी ऊपर रखी है, तो आप इसको कुछ ऐसे माने कि 15,000 पर सेमेस्टर से शुरू होगी ऑनलाइन MBA, जो कि लगभग 50,000 पर सेमेस्टर तक जा सकती है। और नर्सिंग मुंजी जैसी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी तो फीस बहुत ज्यादा है, वो एक अलग चीज आती है, बट ये कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, पर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की फीस आपको यही मिलेगी। और पूरा कोर्स MBA का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में खत्म हो जाता है, मतलब डिस्टेंस से करें चाहे आप ऑनलाइन करें। दूसरी तरफ दोनों को करने के अलग अलग फायदे हैं। आप डिस्टेंस से अगर MBA करते हैं, स्टडी मटेरियल हो वो आपको हार्ड कॉपी में मिलता है, साथ में ही जो भी यूनिवर्सिटी जहां से आप कर रहे हैं वहां पर आपको एग्जाम्स देने जाना होगा, कुछ एक्सपोजर्स भी आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी आप जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ये पता ही आपको नहीं होता कि यूनिवर्सिटी कहां पर है, साथ में ही यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है, आप कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं, सब कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हो। डिस्टेंस में जैसे कि आप एग्जाम्स देने जाओगे आप ऑनलाइन चीजें कर तो दोगे, मतलब एडमिशन आप ऑनलाइन ले लोगे, आप ऑनलाइन फीस भी जमा कर दोगे, कभी कभी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी भी चले जाओ, बट ऐसे में ऑनलाइन में नहीं होता। ऑनलाइन में तो आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप इंडिया के किसी स्टेट में बैठे हैं, किसी भी गांव देहात में बैठे हैं, या फिर आप एब्रॉड में बैठे हैं मतलब इंडिया में नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन MBA कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स भी दे सकते हैं। साथ में ही जो भी ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, उनके लिए स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन ही पढ़ा होता है, ई फॉर्म में पढ़ा होता है, और साथ में ही वक्त वक्त पर वहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के लिए जो फैकल्टीज आती हैं वो भी सब ऑनलाइन ही आते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। डिस्टेंस में करें या फिर आप ऑनलाइन में करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस अब आपके सामने आ गए हैं। किसी भी स्टेट में
आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप डिस्टेंस में ले चाहे आप ऑनलाइन ले, आप उसमें हमारी भी मदद ले सकते हैं, हमारी आप एडवाइस उसमें ले सकते हैं। हम आपको बता देंगे कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है और साथ में ही कौन सी यूनिवर्सिटीज से आपको इस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना चाहिए। मान लीजिए आप एक्स नाम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, हो सकता है कि उसी स्टेट में और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जो और अच्छी हैं, तो आपको इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। MBA आप करना चाहते हैं, आपने 10वीं पास की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, बाद में अपने 12th पास की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, साथ में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आपने BA किया, BCom किया, BSc किया, BCA किया, आप कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप MBA करना चाहते हैं। MBA 2 साल का प्रोग्राम होता है, सेमेस्टर मोड पे एग्जाम्स होते हैं और साथ में ही ईयरली मोड पर भी, हालांकि कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज इसे करा देती हैं, पर मैं आपको बता दूं सेमेस्टर मोड पर ही होता है, सेमेस्टर मोड पर ही आपको एग्जाम्स ले जाते हैं। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। अगर आपके पास कोई भी एक ऑप्शन है कि आप डिस्टेंस से MBA कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन MBA कर रहे हैं, बट अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, तो मैं हमेशा से आपको एडवाइस करता हूं कि पहले आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ ही रुख करें। अगर वहां पर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आजकल आपके पास में, आप उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो भी आप क्वेरी हमें देंगे, हम उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी एडवाइस ज़रूर कर देंगे, वहाँ जाकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस काफ़ी कम है, सिलेबस जो होता है वो ऑनलाइन का ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जो भी आपका लॉगिन पैनल मिलेगा, और ऑफलाइन का मतलब कि डिस्टेंस का आपको जो स्टडी मटेरियल होता है वो बाय पोस्ट आपके घर पे आता है, यूनिवर्सिटी आपको भेजती है, और उसमें एक्सपोजर दोनों का ही एक्सपोजर अलग अलग तरीके का होता है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है डिस्टेंस MBA को लेकर या फिर ऑनलाइन MBA को लेकर, एडमिशन से रिलेटेड, बेस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा सवाल है, आप हमसे जरूर पूछना, फॉर्म फिल करके भेजना, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, या फिर आप कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।